मैं नेशनल हाईवे पर खड़ा हूं जो पोटा साहिब से जगाधरी की तरफ जाता है, लेकिन रात के करीब 8 बजे के वक्त एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 ट्रक आपस में टकराए जिसमें दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वो दोनों ट्रक है जो अचानक से टक्कर होती है और उसके बाद एक ट्रक में भूसा है, दूसरी मिक्सचर मशीन थी, दोनों की आपस में टक्कर हुई और अचानक से जो भूसे में आग लग गई और इसमें जो ट्रक में सवार 2 लोग थे, बताया जा रहा है कि दोनों लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। और आग लगते ही तमाम जो आसपास के लोग थे वह एकजुट हो गए और पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंच गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर पहुंची है, तमाम पुलिस का जो प्रशासनिक अमला है वो यहां पर मौजूद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि करीब 8 बजे यहां पर आग लगी थी, उसके बावजूद भी 10:30 बजने का वक्त है और जो है अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी आग जो है वो लगातार लगी हुई है और जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में जुटी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो आग है उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है आग पर जो है कंट्रोल नहीं किया गया है और अभी तक पुलिस को 2 डेड बॉडी इन दोनों अलग अलग ट्रकों से बरामद हुई है। हालांकि अभी आशंका है कि इसमें 1 या 2 डेड बॉडी और हो सकती है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो भूसा था उसकी वजह से एकदम से आग लगी और आग लगते ही अचानक से जो ट्रक में जो ट्रक ड्राइवर थे दोनों वो ट्रक से निकल नहीं पाए और अचानक से ये जो हादसा हुआ है। आपने रेस्क्यू किया है, क्या देखा आपने? हमने तो ये देखा है जी, हम वहाँ थे घर पर, हम आए जिस टाइम आके हमने देखा कि यहाँ पे गड्डी में आग लग रही है, हम अंदर पढ़ नहीं सके, आग ज्यादा थी। ये मान लो थोड़ी बहुत ही फिर तो कड्डा जी, इसमें तो पूरी भड़क रही थी आग, फूल उंच लग जा रही थी, कोई मतलब खासी दूर खड़े थे अगर जो तब भी खड़े नहीं हो जा रहे थे, इतनी आग थी जी। कितनी डेड बॉडी निकले इसमें से? उसमें से हमने खुद अपने हाथ से काट दीजिए, एक उसमें तो निकली और ये है जी, एक इसमें है, ये है आपके सामने है जी। तो क्या और भी डेड बॉडी निकलेगी यहाँ से? कुछ नहीं पता जी, ये बाल ऐसे साफ। कैसे हुआ हादसा, कैसे हुआ ये गाड़ी इधर से रही थी? अच्छा। और ये वाली इधर से रही थी, तो मतलब अंधो इसकी साइड में कुछ होगा तो थोड़ी परत अभी वो गड्डी इसमें लगी अपना लग पंगा वगेलो पड़ी इसमें, एक मिनट आगे एक कर लगी जिक्र कहीं पेट्रोल गेट दियो। अच्छा। हाँ जी। तो ये वो शख्स है जिन्होंने रेस्क्यू किया है और जो डेड बॉडी है उन्होंने अपने हाथ से इसमें से निकाली है और अभी भी पुलिस के लिए बड़ा सवाल यही है कि क्या और भी डेड बॉडी इसमें हो सकती है। पुलिस छछरौली थाने के SHO जगदीश बिश्नोई जी भी हैं। बिश्नोई जी, क्या हुआ ये और कितनी डेड बॉडी निकली है अभी तक? 2 जी। अच्छा। चल रहे हैं देखा आपके सामने 2। कब से रेस्क्यू चल रहा है? ये 8 बजे का चल रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या शंका है कि डेड बॉडी और निकलेगी? देखो मुश्किल है, 2 ही है मेरे ख्याल में अभी तक तो, प्रलय इसमें देख है, प्रलय देख रहे हैं जी उसमें। तो पहचान हो पाई है किसकी है ये? एक इस ट्रक की है जो UP नंबर है, इसमें बिजनौर का रोहित है बताया गया। और पता पूरा एड्रेस पता कर रहे हैं। और जो दूसरा है उसका कोई पता नहीं ना जी। तो अभी ये मान के चला जाए कि डेड बॉडी 2 ही है, और भी हो सकती है? हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते आप। तो अभी रेस्क्यू और चलेगा? चलेगा। तो ये छछरौली का SHO जगदीश मिश्रा, उन्होंने कहा कि अभी रेस्क्यू और चलेगा, 2 डेड बॉडी इसमें से निकल गई है। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।